बड़ी खबर आपको बता दें, भीषण गर्मी के बीच राहत मिली। प्रदेश में मॉनसून ने दी दस्तक, दिल्ली एनसीआर समेत कई इलाकों में बारिश। झमाझम बारिश से झुलसती गर्मी से राहत मिली है और इस वक्त दिल्ली एनसीआर में बारिश हो रही है। झमाझम बारिश के बीच झुलसती गर्मी से लोगों को राहत मिली। बड़ी खबर दिल्ली एनसीआर से आपको बता दें, इस वक्त गुरुग्राम में भी बारिश हो रही है। भीषण गर्मी के बीच ये राहत लोगों को मिलती हुई। प्रदेश में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। लगातार तेज होते तापमान में झुलसती गर्मी में लोग परेशान भी हो रहे थे, तो इसी बीच मौसम ने अब अपना मिजाज बदला है और तेज बारिश दिल्ली एनसीआर में होती हुई। गुरुग्राम में भी इस वक्त लगातार बारिश हो रही है। सुबह के वक्त से ही बारिश का मौसम हुआ और झमाझम बारिश इस वक्त दिल्ली एनसीआर में। ये तस्वीरें आप सुबह के वक्त की ही देख रहे हैं। गुरुग्राम में बारिश हो रही है, मौसम ने करवट ली। भीषण गर्मी के बीच लोगों को राहत मिलती हुई। बड़ी खबर दिल्ली एनसीआर से, प्रदेश में मॉनसून ने दी दस्तक, झमाझम बारिश से झुलसती गर्मी में राहत मिली। इस खबर पर हमारे सहयोगी संजय राठौर जुड़ गए हैं। संजय, अगर मैं बात करूं दिल्ली एनसीआर की, तो फिलहाल जानकारी मिल रही है मौसम का मिजाज बदला है, मौसम अच्छा हुआ है यहाँ, और अभी फिलहाल बारिश को लेकर क्या जानकारी? जी बिल्कुल नंदनी, मैं आपको बता दूंगा, जिस तरीके से पिछले काफी समय से दिल्ली एनसीआर के लोग गर्मी से जूझ रहे थे, तो आज इंद्रदेव खुश हुए और झमाझम बारिश है। करीबन एक घंटे से लगातार गुरुग्राम दिल्ली एनसीआर में जो है बारिश हो रही है, कि जिससे कि लोगों को काफी राहत मिली। जिस तरीके से गर्मी आए दिन विकराल रूप ले रहे थे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को काफी राहत मिली। लेकिन सबसे बड़ी एक समस्या की चीज जो है, क्योंकि गुरुग्राम की मैं बात करूं खासतौर पर, जब भी मानसून या प्री मानसून की बात करें, तो बारिश के बाद जो रोडों पर जाम लगने की स्थिति जरूर देखने को मिलती है, और यही इस बार भी होने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से जिला प्रशासन हर बार वादे जरूर करता है, लेकिन जिस तरीके से बारिश आ रही है सुबह सुबह, पीक आवर्स में कहीं ना कहीं जाम की स्थिति गुरुग्राम में ना बन जाए। बिल्कुल संजय, और सड़कों पर भी हम देख पा रहे हैं कि एक डेढ़ घंटे की बारिश में कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर सड़कें जो हैं भर गई हैं, तो ये भी एक बड़ा कारण होता है ट्रैफिक का। बिल्कुल, जिस तरीके से बारिश पिछले एक घंटे से लगातार दिल्ली एनसीआर में हो रही है, तो गुरुग्राम में काफी सड़कें ऐसी हैं जहां जलभराव हो जाता है, और उसी के कारण जो है काफी बड़ा जाम गुरुग्राम में लग जाता है, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हालांकि जिला प्रशासन ने इस बार प्री मानसून और फिर मानसून रणनीति जरूर तैयार की है, लेकिन अब देखना ये होगा कि वो रणनीति कितनी कामगार साबित होती है या नहीं। चलिए शुक्रिया आपका संजय तमाम जानकारी के लिए। तो गुरुग्राम में भीषण गर्मी के बीच राहत मिलती हुई, लोगों को मॉनसून ने दस्तक दी, झमाझम बारिश दिल्ली एनसीआर में आज।